पुरानी पेंशन बहाली हेतु संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मंडलीय प्रांतीय जनपदीय पदाधिकारियों का संकल्प सम्मेलन सहकारिता भवन लखनऊ में संपन्न हुआ। विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सरस्वती वंदना स्वागत गीत के उपरांत महासचिव आरके निगम ने सम्मेलन का एजेंडा, 5 प्रमुख मांगे तथा प्रस्तावित आंदोलनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सदस्यों से विचार आमंत्रित किए। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो पेंशन की बात, एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। और करो तुम बंद अभिशाप निजी स्वार्थ का झगड़ा, तभी समझ लो तुम सब सोई सरकार जगा पाओगे। मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या निर्णय हो रहा है? ये S4 का संयुक्त संघर्ष संचालन समिति का संकल्प सम्मेलन है, उसमें पूरे प्रदेश के जनपद मंडल के पदाधिकारी आए हैं। जो हमारी मांगे हैं 5 प्रमुख, चाहे वो OPS की बहाली हो, बच्चों की बहाली हो, संविदा का नियुक्तिकरण हो, आउटसोर्सिंग और निजीकरण पर रोक लगाए जाने की बात हो, वेतन संगतियों का निराकरण हो, और जो ट्रांसफर पॉलिसी में परिवर्तन किया है उसको संशोधित किया जाना, इन 4-5 मांगों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। एक रूपरेखा हमने बनाई 30 अक्टूबर से लेकर 16 जनवरी तक का चरणबद्ध कार्यक्रम आज घोषित होगा, जिसके तहत हम जनपद से लेकर के और प्रांत दफ्तर तक हम विधान भवन पर कार्यक्रम हम करेंगे। सरकार से हमारी यही मांग है, बहुत समय हो गया वो OPS की बहाली और प्रमुख मांगों पर सरकार जो हरियल रवैया अपनाए हैं उसे छोड़ करके बात करें, इन सब चीज़ों को पूरा करें, तभी जिससे कि प्रदेश में शामिल अध्यक्ष राज कर्मचारी महासंघ आज यहाँ S4 की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों से लगभग 31 संगठन आपके पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जैसा कि हमारे बैनर में ही लिखा हुआ है, OPS मतलब हमारी पुरानी पेंशन और मुद्दे बहाल किए जाएँ, वर्चार्ज आउटसोर्सिंग संविदा में जो हमारे गांव ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक कार्यालयों में जो आउट संविदा आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारी इनको रेगुलर किया जाए, तब तक इनको रेगुलर नहीं किया जाए तब तक इनका मानदेय 18,000 दिया जाए। प्रदेश में जो आज की तारीख में जो स्थिति बनी हुई कर्मचारियों के प्रति सरकार की रवैये, अधिकारियों के रवैये उन पर चिंता लाते हुए उनकी बातें सुनी जाए, अर्थात की स्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है जिले से लेकर प्रदेश तक में हम लोग आंदोलन करेंगे और आगामी 16 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति में उपाध्यक्ष पद का दायित्व का निर्माण कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे S4 के महासचिव आरके निगम जी और प्राथमिक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी ने कहा और आप अवगत हो गए कि हमारी मुख्य मांगे क्या हैं और हमारे जो आंदोलन के कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से चले हुए उसके बारे में आप लोग को अवगत कराया जा चुका है। लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी लोग प्रदेश से, सभी विभागों से हमारे साथी लोग सभागार में उपस्थित हुए हैं और S4 जो हमारी कमेटी बनाई गई है पुरानी पेंशन के लिए, इसमें हमारे सभी बढ़ चढ़ के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है और आगे के लिए जो हम लोगों को जो दिशा निर्देश S4 कमेटी की तरफ से दिए गए हैं उनमें हम लोग पूर्ण तरीके से पालन करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हमारे जिले स्तर पर जो कार्यक्रम दिए गए हैं उनमें कार्य करके। क्या कहना चाहेंगे, कई विभागों द्वारा ये आवाज़ लगातार उठाई जा रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, फिर भी सरकार की तरफ से कोई कह सकते रवैया नहीं बदल रहा है, तो आगे किस तरीके का संघर्ष जारी रहेगा आपका? हमारा संघर्ष जारी है और सरकार भी समझती है, सरकार समझती ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं कर्मचारियों से डरी हुई सरकार है, परंतु वो चीज़ अपनी स्तर से हठधर्मिता पे उपलब्ध है कि हम लोग अभी जैसे आगे आगे आने वाला समय है उसमें चुनाव में उनको 2024 में चुनाव में इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं, भीड़ से हमारे जो भी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं उसका उनको भी मालूम है कि परिणाम उनके साथ में, जैसे आज की डेट में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अन्य जगह सरकारों में चुनाव हो रहे हैं, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी अपना कहीं कहीं पे सांसद
लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं और मंत्री लोगों को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ऐसा उनको लग रहा है कि कर्मचारियों से असंतुष्ट जो है हमसे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ग्राफ गिर रहा है, इसलिए वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों को नीचे स्तर पर चुनाव लड़ाने का औचित्य क्या है। अपना नाम बता दीजिए सर, कहाँ से? मैं फर्रुखाबाद से जिला महामंत्री राज्य कर्मचारी महासंघ का पदाधिकारी हूँ। मेरे साथ ही सभी लोग उपस्थित हैं, सभागार में भी हैं, और आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे साथ। निगम जी ने बताया उन्हें 5 मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। आप सभी को मालूम है चूँकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, सरकार की स्थितियाँ क्या हैं, कई प्रदेशों में प्रदेश के भी इलेक्शन लगे हुए हैं, और इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस है। अभी दिल्ली में भी बहुत बड़ी रैली हुई थी, बड़े बड़े मीडिया के लोगों ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया, कहीं दिखाया तक नहीं। ये सरकार खुद इस बात से हिली है, और इस बार ओपीएस एक ऐसा इतना बड़ा मुद्दा है जो इस सरकार को गिराने बचाने का कार्य करेगा, और इस पर सरकार की जो LIO इंटेलिजेंस है वो एक एक चीज़ बता चुकी सरकार को कि इस पर निर्णय लेना है। अभी कल भी एक चर्चा आई थी कि शायद, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ, कि सेंट्रल में कुछ ऐसी डिमांड्स चल रही ओपीएस और एनपीएस को लेके, कुछ आपस में कंपेयर हो रहा है कि इसके ऊपर अगर हमको निर्णय लेना पड़े तो हम क्या निर्णय लेंगे। तो ओपीएस इतना बड़ा मुद्दा है, और ये आज भी जो यहाँ पे ओपीएस के लोग आए हुए हैं, ये इसलिए आए हुए हैं, इनका आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में इनके पाले, इनके पोते, वो भी जब सरकारी जॉब में आएंगे तो उनके साथ भी दिक्कतें होंगी। तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो एक साथ लड़ ली जाए, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी, उसके बाद की पीढ़ी भी इन तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि पिछली पीढ़ियों में ये दिक्कतें हुई हैं। जिस समय OPS को हटाया गया, NPS को लागू किया गया, उस समय अगर हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले के नेता लोग थे, कुछ दिवंगत थे, कुछ आज भी हैं, बुजुर्ग की हालत में हैं, अगर उस समय निर्णय ले लेते तो आज ये स्थितियाँ ना होती, ना हम लोगों को इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ता। उन लोगों ने उस समय चूक की, उस चूक का खामियाजा ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी भुगतती रहेगी। इसलिए हम लोग आज ये थोड़ा सा देर में शुरू हुआ है, मगर फिर भी मैं जानता हूँ जो कार्य शुरू हुआ बहुत सही समय पर शुरू हुआ है, और हमारे आंदोलन बहुत कम समय में ही 5 चरणों में चलेगा, जिसका उम्मीद है सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। OPS की बहाली की बात हो गई, और आप लोगों को अवगत करा दूँ कि कोविड काल में हमारे जो भत्ते हैं, परिवार नियोजन भत्ता है, नगर प्रतिकर भत्ता है, 18 महीने का DA फ्रीज कर लिया गया है, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो हमको मिल रही थी लेकिन सरकार द्वारा उनको रोक दिया गया है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हमारी मांगे, हम सकारात्मक रूप से सरकार से बार बार पत्राचार कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं मौखिक लिखित रूप से, अधिकारियों से, लेकिन लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी UP की है वह माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुँचने दे रही है। और साथ में मैं भी कहना चाहूँगा ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि वह अब संगठनों से वार्ता करने में भी विभाग स्तर पर और शासन स्तर पर हिचकिचाती है, वार्ता नहीं करती है, सरकार को भ्रमित करती है। तो इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को ध्यान दें कि ये ब्यूरोक्रेसी उनको भ्रमित कर रही है। कर्मचारी सरकार शासन का अंग है, इसको किनारे नहीं किया जा सकता है। इसी के बल पर वह चुनाव जीतते हैं और आते हैं, और यदि वह हमारी बात नहीं मानते हैं तो यह केवल जो S4 है या केवल दिखावे का मंच नहीं है कि केवल भीड़ इकट्ठा कर दिया, दिखा दिया। हमारा आंदोलन सुचारू रूप से स्टार्ट होगा, सांसदों को जो खुला पत्र दिया जाएगा उसमें ये कहा जाएगा कि यदि आप लोग हमारा OPS और जो हमारी मेन मांगे हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे तो प्रत्येक कर्मचारी का परिवार आपको वोट नहीं देगा, आपकी पार्टी को वोट नहीं देगा, वोट की चोट करेगा वो। और साथ ही लास्ट में जब स्थितियाँ जैसी भी बनेंगी तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए, हम लोग उसके लिए बिल्कुल आवश्यक विधानसभा का घेराव करेंगे, और सरकार को जो भी दमन करना है, जेल भेजना है, लाठीचार्ज करना है, उसके लिए भी हम लोग सर पर कफन बांध करके हमारे युवा साथी और वरिष्ठ साथी तैयार हैं, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। चैनल देशबद्ध न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।